PMJAY and MMJAY card distributed in Hafrung. Assam Minister for Power, Sports and Youth Welfare, etc., that is Nandita Gorlosa, ceremonially distributed Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, that is PMJAY, and Ayushman Ahom Mukhya Mantri Jan Arogya Yojana, that is MMJAY cards to the beneficiaries at District Library Auditorium in Hafrung. The scheme offers a sum issued of Rs. 5 lakhs per family for secondary care as well as tertiary care under cashless and paperless access to healthcare services. Recently, the government have decided to identify all in the National Food Security Act NFSA database, that is ration card holders, for this card. In Nimasa, 63,624 numbers of beneficiaries have so far enrolled for the scheme, while the concerned department have targeted around 93,000 beneficiaries in the district. गवर्नमेंट के तरफ से बेनिफिट मिलेगा, ये मतलब एनुअली 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा बेनिफिशियरीज इसमें, मतलब प्रोग्राम में जैसा बताया है, बीमार होने से, हाँ बीमार होने से कैशलेस, मतलब वो आपको कैश के तरह कैश नहीं देगा गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे भी जाएगा ना आप, ये कार्ड दिखाने से आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपका ट्रीटमेंट वो हो जाएगा, 5 लाख के अंदर का ट्रीटमेंट जितना भी होता है, 100 अबव डिजीज कवर कर देता है। अगर बीमार नहीं होने से, बीमार नहीं होने मतलब बोल नहीं सकता ना, वो तो बीमार हो भी सकता है नहीं हो भी सकता, वो तो बोल नहीं सकता, अगर अचानक से अगर कुछ भी बीमार जो भी डिजीज हो गया तो ये मतलब कवर कर देगा ये ट्रीटमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे भी 5 लाख तक एनुअली ये रिन्यू करना पड़ता है, सिर्फ 1 साल के लिए है ये, तो नेक्स्ट ईयर मतलब ये रिन्यू करना पड़ेगा, वो 5 लाख वाला फिर अच्छा लग रहा है। पहले लोग जब सुना था पहले तब तो 2 लाख वाला था, तो उसमें मतलब अप्लाई नहीं किया था, अभी रिसेंटली हमने अप्लाई किया ये बेनिफिट सुन के, तो अच्छा है सभी घर में मिडिल क्लास फैमिली लोग के लिए, तो मतलब अभी किडनी स्टोन बोलो या जो गॉल ब्लैडर वाला वो बोलो, तो मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए भी अभी ज्यादा खर्चा हो जाता है हॉस्पिटल जाके, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी ये बेनिफिशियर मतलब स्कीम ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। ऑर्डर्स प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम वर निपोलाल होजाई, ईएम ऑफ टीएचएससी डॉन फाइनेंट हाउसन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएचएससी थाईसो दावलगपू, डीसी सीमांता कुमार दास, रेबेका चंगशन, EI Secretary in charge of Medical, Dr. Lina Hakmausa in charge, Joint Director Medical. Newly joined ADCS James Tyer and Deepmala Gwala were also present during the occasion. ABPMJY, that is Ayushman Bharat ka card ceremonial distribution kiya, hum log ko honorable minister madam Nandita madam ne kiya, to hum log ye card ka benefits yahi rahega ki jo NFSA matlab ration card holders को ये कार्ड दिया जाएगा, अभी चल रहा है ऐसे भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में, ये KYC के थ्रू से हम लोग ये कार्ड पोर्टल में डाल रहा है, तो आज में हम लोग अराउंड 60 आदमी को दिया, तो इसको बेनिफिट्स होगा वो जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम लोग ट्रीटमेंट लाइक इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट मेडिसिन के लिए ये कैशलेस एक ऑफर है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, तो कैशलेस पेपरलेस ये दिया जाएगा, ये पैसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये कार्ड जो भी लेके जाएगा तो एनी हॉस्पिटल में इन लोग ट्रीटमेंट जो भी बीमार को लिए ट्रीटमेंट मेडिसिन और इन्वेस्टिगेशन को लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा मिलेगा, हाँ अप टू 5 लाख पर फैमिली करके मिलेगा, तो अगर एक साल का लिए होगा एनुअली, वो एक साल के बाद में उसको रिन्यू करना पड़ेगा, तो एक फैमिली में एक करने से होगा नहीं, एक फैमिली में ऐसे तो कार्ड तो पांचों को मिल जितना है सबको मिला दिया जाएगा, लेकिन 5 लाख तक है एक फैमिली में, 5 लाख तक सुविधा एनुअली, तो नेक्स्ट ईयर अगर कोई इस बार खत्म हो गया तो नेक्स्ट ईयर अगर फिर बीमार होगा तो फिर दोबारा रिन्यू करने से फिर मिल जाएगा, ऐसा है।
तो इसको सुविधा हम लोग को पब्लिक को जिसको जिसको रेशन कार्ड होल्डर्स है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में जितना भी है उन लोगों ये कार्ड को सुविधा लीजिए अपने खुद EKYC जहाँ में हो रहा है गांव गांव में हम लोग को हेल्थ वर्कर्स कर रहा है एंड हॉस्पिटल में भी ये EKYC हो रहा है उसमें आके ये कार्ड बनवा लेना है। इसके लिए बाकी कुछ नहीं चाहिए, खाली रेशन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, बस आइए एंड ये सुविधा सरकार की तरफ से जो इतना अच्छा सुविधा दिया है इसको ले लीजिए। थैंक यू। अभी तक हम लोग ऐसे तो हम लोग को 92,900 कितना को मिलना है, उसमें से हम लोग खाली 68,000 मतलब टोटल में अभी खाली 68% को ये कार्ड बनाया है, लेकिन कार्ड फिलहाल आया है 10,400 समथिंग आया है, लेकिन अभी आ जाएगा सबको लिए जितना को हुआ। अभी भी हम लोग को 30,000 करना बाकी है, हम लोग को टारगेट है 93,000, उसमें से हम लोग अभी खाली 68,000 को कर पाया है, सो अराउंड 30,000 अभी भी रहेगी। तो इन लोग को जल्दी करा लीजिए, ये सुविधा बहुत अच्छा सुविधा है सरकार की तरफ से। बड़ा बड़ा बीमार होने से बहुत पैसा खर्चा होता है, तो अप टू 5 लाख मिलना तो बहुत बड़ो बात है सरकार पर फैमिली।